नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। बीजेपी विधायक रामलल्लू वैश्य ने मध्य प्रदेश में चल रही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ की सरकार बनी है तब से सभी विकास कार्यों में रुकावट आ गई है। इंडिया खबर लाइव के लिए सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट। जो आज पूरा कार्यक्रम था हमारा गलती, उसके प्रक्षुब्ध में प्रदेश सरकार हर जिले में उन्होंने पत्रकार वार्ता की, जिसमें वो बड़ी सफाई देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव 2018 के बाद जो हमारे लंबित कार्य हैं, जिसमें रिहंड माइक्रो सिंचाई परियोजना, कई सड़कों का निर्माण और आदर्श महाविद्यालय कुशबई में भूमि आवंटित थी वो आज तक नहीं स्वीकृति हुआ, न निर्माण हुआ। कन्या महाविद्यालय सिंगरौली की जमीन भूमि आवंटित हो गई, रास आवंटित हो गया, टेंडर हो गया, वो काम नहीं चालू हो पाए। साथ ही माइनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट, ये सारे काम तो अभी पेंडिंग है। 9 महीने बीतने जा रहे हैं, एक भी काम की प्रदेश सरकार सिंगरौली विधानसभा में पेंडिंग कार्यों को स्वीकृति दिया हो, इसका जवाब मुझे कांग्रेस दे। आज कार्यकर्ता जो लंबी लंबी बात करते हैं, चुनाव को लेकर मैं बात करना चाहता हूं। नगर निगम के चुनाव नवंबर में होते थे, यह सरकार डरी हुई है कि मेरा एक भी पार्षद नहीं जीतेगा, न महापौर आएगा पूरे प्रदेश में, इसलिए वो कहता है बिना सिंबल का चुनाव हो। इस तरह का ये डरी हुई सरकार है, इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि ईवीएम मशीन के द्वारा ही चुनाव हुए। तो अभी जो 2018 में चुनाव हुए ये कहते हैं, तो फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कैसे सरकार कांग्रेस की बनी, ये बता दें। यदि ईवीएम मशीन खराब है तो ये सिर्फ दमाइंगाई के साथ में चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं कि हम लोगों का राज्य बैलेट पेपर में विश्वास करता है। ये सोच लीजिए आप, लोकतंत्र में सही दिशा में सत्यता का काम करना नहीं चाहते, ये सरकार हवा में बात करती है। सिंगरौली का एक भी विकास कार्य का नींव का गिनती करना दे हमें, तो मैं मानूंगा कि हाँ वास्तव में जनहित में कार्य है। चाहे वो विद्यालय हो, प्राइमरी को उद्योग धंधा खोल लिए, सारे बच्चे को ट्रांसफर कर दिए और आज भी एक भी पदस्थापना, कैसे बच्चे पढ़ेंगे। आदिवासियों की बात करते हैं कमलनाथ सरकार जी, आदिवासियों सिंगरौली का तड़प रहा है, प्रधानमंत्री आवास के लिए 2 लाख रुपए कहाँ पाएंगे, पहले बताए सरकार तो दे आदिवासियों को। इस तरह के तमाम बिजली का बिल का आप देखें, मैं गया था अभी 18 नंबर वार्ड में, 97,000 का बिल दिया गया, जब मैंने उनको दिया तो रातों रात 120 रुपए कर दिया, पेपर में छपा भी था, आप सब जानते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गरीब 100 यूनिट नहीं जलाता भी तब भी इनका जो रीडिंग वाचक है वो लिख देंगे 200-300। आप बताइए, तो थोक माल लेने वाला व्यक्ति को आप 4 गुना रेट बढ़ाते जाते हो, जबकि घटाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, चुनाव के वक्त इन्होंने कहा था कि बिजली का बिल हाफ, हाफ का परिभाषा क्या है, सबका। आवाज आप कह रहे हो कि नहीं 100 यूनिट का 100 रुपया, ये कौन सी बात आ गई। अनेक वचन पत्र में दे किसानों का ऋण माफी, आज के इतने किसान पाए, मैं ये पूछना चाहता हूं पूरे प्रदेश में यदि आप 400 लोगों को दे दिए या 4000 को दे दिए, उससे क्या प्रदेश के किसान खुशहाल हो जाएंगे। किसान कितने हैं ये पहले बता दें हमें, देश में 70% तो किसान ही ना है, 70% किसान में कितने परसेंट लिए ऋण, ये बताएं साहब आप। अभी 10 दिन में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव के समय कहा था कि हम सब 10 दिन में कर्ज माफ कर दूंगा जो मेरी सरकार बनी, तो अब बन गया तो 10 महीने आने वाला है। अब कल मैंने पेपर पढ़ा कि दूसरा चरण किसानों का ऋण माफी की शुरू अब करेंगे, ये कौन सा बात हुआ। रिजाइन करना चाहिए कमलनाथ को, राहुल गांधी को इस्तीफा दे दिया, अच्छी बात है, अब उसको तो इस देश से निकल जाना चाहिए, लेकिन झूठ बोलता है बहुत।
पप्पू इस तरह के तमाम है। आज बिजली उत्पादन यहाँ सरप्लस है, कटौनी क्यों है बैठन में कांग्रेस के लोग बताएं मुझे, मैं पूछना चाहता हूँ। आज लोग तड़प रहे हैं कांग्रेस की सरकार आने के बाद शिवराज सिंह के संबल योजना बंद कर देने से, लोग आज त्राही त्राही हैं। आज आप बताइए गरीब के आम जनता को जिनके स्वर्गवास हो जाता था उनको 5000 रुपए इंटरेस्ट के लिए मिलता था, क्यों आपकी सरकार बंद कर दी? बहुत हिमायती है गरीबों को, तो एक्सीडेंट पर 2-4 लाख रुपए मिलते थे वो क्यों बंद हो गए? इस तरह से ये सार्वजनिक चीज है, कोई पार्टी लेवल पर नहीं था ये बात कि कोई पार्टी लेवल पर पैसा दे रहे थे शिवराज सिंह जी। उन्होंने तो जो भी इस परिस्थितियों में आया उनको सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। 5 एकड़ तक भूमि किसानों के संबल योजना में शामिल किए गए। आप क्यों आपके किसान को मदद करना चाह रहे हो भाई? 5 एकड़ वाला भी किसान है, 2.5 एकड़ वाला भी किसान है। उस समय भी किसानों को आदिवासियों को निःशुल्क 5 हॉर्स पावर तक की सिंचाई छूट दी जाती थी। आज तुम कहते हो कि मैंने कर दिया, अरे तुमने क्या किया यही मैं पूछ रहा हूं। आदिवासियों के वन भूमि का पट्टा देने की जहां बात हो, आज भी लोग तड़प रहे हैं, नहीं पाए जो छूट गए हैं। शिवराज सिंह जी ने शुरू किया था वो जितने पा गए और 9 महीने से आज एक भी पट्टा सिंगरौली बांटे हो प्रभारी मंत्री या पंचायत मंत्री तो बताएं मुझे।